जबलपुर के मदन महल इलाके में एक नाबालिग मंदबुद्धि लड़की से 10 लोगों ने गैंगरेप किया है। पीड़िता 28 मई से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी। युवती के मुताबिक जब वो अपनी बहन के साथ बैंक में खाता खुलवाने गई थी तो बहन से बिछड़ गई। वहां कुछ जान पहचान वाले लोग उसे बहन से मिलवाने का बोलकर अपने साथ ले गए और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने 4 दिन तक उसे बंधक भी बनाकर रखा। 2 जून को मौका लगते ही युवती वहां से भाग निकली और थाने में आकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। युवती की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। बहुत बेकार मान से सर, मतलब दुकान में सामान लेने तो मैं भैया सो रहे थे, ये नहीं मालूम क्या नाम है, सो रहे तो मैं धीरे से फंसा खाई। फिर बाद में वहाँ एक अंकल मिले आते हैं ये कबलते महल महल के पास, तो वहाँ पानी पीने गए रहे, चक्कर आ गए, भैया ने वहाँ बैठा ला, फिर बाद में पानी ने पिलाया, फिर बाद जब होश आया तो उनने नंबर मांगा तो नंबर दिया, तो फिर थाने में खबर आई। लड़की कार्थिया पीड़िता बता रही है कि उसके साथ लैंगिक शोषण हुआ है, लगा 3-4 दिन तक उसको वहाँ बंधक बना के रखा गया है, तो उसमें आगे जांच करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लड़की के मार्कशीट में तो वो नाबालिग है, 17 साल की है और उसका मेडिकल भी कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संजीव श्रीवास्तव से। संजीव जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्या आरोपियों की धरपकड़ हो पाई है अभी तक? देखिए, बहुत ही गंभीर घटना है, क्योंकि 29 तारीख को ये जो बच्ची है जो 9वीं क्लास में चेरीताल स्कूल में पढ़ती है, तो ये स्टेट बैंक में अपना खाता खुलवाने गई थी। उसी दौरान इसकी जो एक दो लड़के थे वहाँ के, उनसे जान पहचान थी, तो वो उसको बरगला के ले गए अपने साथ और ये मदन महल इलाके में किसी कमरे में उन्होंने 4 दिन तक उसे बंधक बना के रखा। उसे खाना पीना भी बिल्कुल नहीं दिया और उनके साथ दुराचार किया। और लड़की का कहना है करीब 10 लोग थे, तो पुलिस ने जो सक्रियता दिखाई उसके हिसाब से 5 आरोपी तो पकड़ गए हैं, लेकिन घटना 29 तारीख की और 29 तारीख को घर वालों ने अपहरण का मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन 4 दिन तक पुलिस सोती रही। अगर पुलिस चाहती तो 2 दिन घटना के 2 दिन बाद भी उसको आरोपियों को या बच्चे को पकड़ सकती थी, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता की वजह से बच्ची का 4 दिन तक शोषण होता रहा। और अब जब पुलिस के पास ने कल शिकायत की, कल पुलिस को मिली लड़की, तो उसने पुलिस ने फिर तत्परता दिखा के 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 5 आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। जी संजीव जी, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी।